गुड मॉर्निंग, चालू है। गुड मॉर्निंग, हम लोग प्रोज का तीसरा चैप्टर द डिस्कवरिंग टूट टूट क्या टूट एक राजा का नाम है जो 33 वर्ष पूर्व मिस्र में हुए हैं। और मिस्र में लगभग 600 मकबरे हैं, कई मकबरे हैं वहाँ, मकबरे इतने मकबरे हैं कि राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का आपने नाम सुना है, तो उसमें एक राजा टूट हुए हैं फेरो वंश में, उन्हीं के विषय में इसमें चर्चा हो रही है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है राजाओं को मकबरे, मकबरे मतलब समाधि स्थल। तो एक ब्रिटिश के पुरातत्व शास्त्री हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में इनके मकबरे को खोजा था। मकबरा खोजने के बाद वो हावर कार्टर ने इनकी ममी को, अर्थात इनके उसका सीटी स्कैन एक्सरे, जैसे आजकल तमाम वैज्ञानिक का आविष्कार हो गए हैं, और जानकारी के लिए उन्होंने ये किया। हम आपको पहले दूसरे प्रोग्राम में बताए थे कि 3300 वर्ष पूर्व ये टूट नाम के राजा हुए थे। सभी परिस्थितियों की स्टडी करने के बाद अधिकांश लोग यही मानते हैं कि इनकी वध किया गया, इनकी हत्या की गई थी। और इनकी खोज करने के बाद 2005 में इनका सीटी स्कैन कराया गया। उसी के विषय में हम पहले दूसरे पैराग्राफ में पढ़े, अब हम तीसरे पैराग्राफ में इनके मकबरे के खोजने के बाद तमाम विदेशी भी आते जाते थे, उसका थोड़ा वर्णन उन्होंने किया। देखिए, ऑल आफ्टरनून लिखकर बता रहे हैं, इसके जो चैप्टर लिखे हैं आर विलियम्स ने लिखा है, तो बता रहे हैं कि दोपहर के बाद द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट आए, बहुत लोग मिस्र की सभ्यता में आए, कई देशों में प्राचीन मकबरों को, ऐतिहासिक स्थानों को, सांस्कृतिक स्थानों को देखने के लिए जाते हैं। तो सभी टूरिस्ट, टूरिस्ट कहाँ से आए थे, जो अन्य देशों से आए थे, संसार से आए, अन्य देशों से आए थे। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड वर्ल्ड वाले पूरे संसार के अन्य देशों से जो यात्री आए हुए थे, दोपहर के बाद सभी लाइन में लग कर डिसेंडेड इन टू द क्रैम्प, डिसेंडेड माने उतरना, भाई समाधि जो होगी मकबरा होगा नीचे होगा, क्रैम्प्ड माने सकरे, राग डाउड माने चट्टान को काट कर बना गया टम मकबरा, सब 26 फीट अंडरग्राउंड, लगभग 26 नीचे, टू पे देयर रेस्पेक्ट, उनको सम्मान देने के, मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए। अपने शब्दों सुन लीजिए कि जो विश्व के अन्य देशों से पर्यटक आए हुए थे, जो आते जाते थे, तो बता रहे हैं कि लगभग सभी जो पर्यटक उस दिन थे, दोपहर के बाद सभी उस मकबरा जो 26 फीट नीचे था उसमें सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए नीचे उतरे, लाइन बाय लाइन, क्योंकि सकरा हुआ था पंक्तिबद्ध ढंग से वन बाय वन करके। क्यों गए थे उन मकबरे को देखने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए। दे गेज्ड एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ ब्यूरियल्स चैम्बर, बरी होता दफनाना, बरियल चैम्बर माने कहती है कब्र, मकबरा। वो उस बरियल चैम्बर्स माने मकबरे के अर्थात कब्रिस्तान के वॉल्स माने दीवार पर, और म्यूरल्स माने चित्र, कि जो उस मकबरे के दीवार पर भित्ति चित्र बने हुए थे उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। जब मकबरे नीचे गए, भित्ति चित्रों को देखे, तो पर्यटक लोग अचंभित हुए। पियर एट टूट गिल्डेड फेस, और राजा टूट को हम पहले बताए थे, पूरा सोने से उनको गिल्डेड कर दिया गया था, सोने से उनके शरीर को ढक दिया गया था, तो उनके उस गिल्डेड सुनहरे सोने से जो है सोने से गिल्ड किए गए उनके चेहरे को देखकर, भित्ति चित्र देख करके, और पूरे राजा टूट के शरीर को पूरी तरह गिल्डेड सुनहरे से
गिल्ड के जाने उसको देकर पहचान सके थे। द मोर स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज ममी सेफ आउटर कॉफिन लिड, और जो उनका चेहरा किस प्रकार का था, ममी तो नहीं था लेकिन ममी की आकृति वाले, ममी की आकृति का जो उनका कॉफिन है जिसमें उनकी बॉडी को रखा गया था उसको बनाया गया था, ममी की तरह उनका जो चेहरा बनाया गया था, चेहरे की आकृति वाले ढक्कन को भी सोने से जड़ गया था। सम रीडर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन विस्पर्स, जो यात्री हैं उनमें से कुछ फुसफुसा कर मतलब धीरे धीरे गाइड बुकों से अपना पढ़ते थे, गाइड किताबों से अपना कुछ पढ़ रहे थे। कुछ दूसरे स्टूड साइलेंटली, कुछ दूसरे शांतिपूर्वक खड़े थे। परहेप्स लेखक करी कुछ अपना गाइडों से पुस्तकों से पढ़ रहे थे, देख रहे थे, और कुछ जो है शांत खड़े हुए थे, पॉन्डिंग माने सोचते हुए, क्या विचार करते हुए, चिंता करते हुए। टूट्स अनटाइमली डेथ, राजा टूट के असमय मृत्यु हुआ, जैसा कि लोगों को मान्यता थी कि इनकी मृत्यु कम उम्र में कर हो गई थी, कैसे किसी ने वध कर दिया संभावना थी। इन इज लेट टीन, टीन्स मतलब कम उम्र में उनकी हत्या पर कुछ लोग विचार कर रहे थे, अथवा ये सोच रहे थे कि वॉन्डरिंग विद सिवर्स इफ फेरो कर्स डेथ वाज मिसफॉर्चून, या फेरों के श्राप से उनकी मृत्यु हुई हो या उनके दुर्भाग्य पर, ये सोच करके जो उनकी श्राप को सोच करके मतलब जो है एक प्रकार उनके भय से सिवर माने कांपने से सोचते हुए, दो जो वो डिस्टर्ब हिम फेरो किनको श्राप देते थे, जो उनको परेशान करते थे डिस्टर्ब, जैसे ऋषि मुनि को राक्षस लोग परेशान करते श्राप दे देते थे, तो फेरो भी होते थे वहाँ, फेरो वंश के राजा हुए हैं कि अगर कोई उनको परेशान करता था तो उनको श्राप दे देते, तो हो सकता है किसी श्राप दे दिया हो। आर वाज रियली ट्रू, ये वास्तव में यदि सच्ची बात है कि सोचकर कुछ पर्यटक लोग कांप रहे थे कि फेरो लोग श्राप दे देते, इनको डिस्टर्ब किया जाता, क्यों, क्योंकि वो भी फेरो वंश के राजा थे, मकबरे में पड़े हुए हैं, तो पर्यटक डर रहे थे कहीं ऐसा ना कि हम लोग को श्राप मिल जाए। चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं, पर्यटक लोग बता रहे हैं। अब द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डाइड इन द 1920 सेड जाही आवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट। पहले जान लीजिए जाही आवास कौन है, ये मिस्र के क्या है जनरल, मतलब सेक्रेटरी जनरल माने महासचिव, किस विभाग के, इजिप्ट माने मिस्र के, सुप्रीम माने उच्च काउंसिल माने परिसर, एंटीक्विटीज माने पुरा वस्तुएं, जो पुरातत्व की वस्तुएं हैं उन पुरा वस्तुओं को जो उच्चतम काउंसिल परिषद बनी है उसके महासचिव थे। तो इन्होंने जाके जब प्रथम बार टूट के उसको देखा 1922 में, हावर्ड कार्टर ने इसकी खोज किया था तो कई जानकारी लेने के लिए कहीं ना कहीं इस मम्मी को तोड़वाया था, तो ही बता रहे हैं कि देख लीजिए। तो ये जो उन्होंने कहा, कब कहा, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट, जब प्रथम बार उन्होंने इस की बॉडी को देखा, इनके टूट के मतलब वही जो मकबरा में इनकी मम्मी को देखा, तो इन्होंने कहा, क्या कहा, मम्मी इज वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ कार्टर डिड इन 1920, 1920 में कार्टर ने जो किया, हम बता दें हावर्ड कार्टर पुरातत्व शास्त्री है, उनके कारण से मम्मी बहुत बुरी दशा में थी, कि जो मम्मी है वो बहुत बुरी दशा में थी, मतलब अब और चीज़ जानकारी लेने के लिए भी कार्टर ने मम्मी को कहीं ना कहीं तोड़वाया था कुछ। कार्टर कौन है बता रहे हैं, लेख का हावर्ड कार्टर द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, पढ़ते बता रहे हैं कि हु वाज कार्टर, जिनका पूरा नाम हावर्ड कार्टर है, ये ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट आप जानते हैं, पुरातत्व शास्त्री पुरातत्व वैज्ञानिक, हु जो 1920 डिस्कवर, जो 1922 में
राजा टुटके मकबरे को खोजा था, बहुत परिश्रम किया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, कई वर्षों तक फ्यूटाइल माने कठिन सर्चिंग माने खोज, बड़ी कठिन खोज के बाद, परिश्रम के बाद इस राजा टुटके मकबरे को उन्होंने खोजा था। तो इनके मकबरे में को जब खोज लिया था तो मम्मी को और इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनका सिटी स्कैन कराने के लिए कुछ ना कुछ मम्मी को जुड़वाया था, फिर जुड़वा दिया था। इसीलिए वहाँ के पुरातत्व शास्त्री जो हैं वो कहते हैं उनके महासचिव कि ये तो भाई बुरी दशा में थी। चलिए, इट्स कॉन्टेंट्स दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटीक्यू वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और इट्स कॉन्टेंट्स इसकी जो पूरा वस्तुएं हैं किसकी, जो मकबरे की, दो हेस्टिली रैंसैक्ड जो इनकी वस्तुएं हैं रैंसैक्ड माने उनको छांटना, जो एंटीक्यूड माने पूरा वस्तुओं में इन्हें जल्दी से जो छांटा गया था वाज सरप्राइजिंगली कंप्लीट, कि मतलब जो पूरा वस्तुओं की खोज में थोड़ा जल्दीबाजी उन्होंने किया, जब उन्होंने खोजा तो मकबरे में जो वस्तुएं मिली थी उनकी थोड़ा से छटनी जल्दीबाजी में इन्होंने कर दी। कंटेंट्स माने अंदर जो मकबरे उनके अंदर सामग्री मिली थी जब मकबरे को उन्होंने खोजा था हावर क्वार्टर ने, कंटेंट्स माने, चलिए तो कंटेंट्स माने खाद मतलब पुरातत्व तो संबंधित वस्तुएं दो, यद्यपि जल्दी में रेंसेंट माने छांट दिया गया था इन एंटीक्यूज कि इसको थोड़ा एंटीक्यूड माने जल्दीबाजी में उनको थोड़ा से छान दी गई थी उन पूरा वस्तुओं को, फिर भी आगे देखिए वार सरप्राइज कंप्लीट, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से उसको पूरा किया गया, थोड़ा सा कुछ जल्दीबाजी किया गया था इस कारण से उसकी दशा बुरी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ऑफ यूर फाउंड, जो वे हैं जो उसमें मिली हैं वे जो पाई गई वस्तुएं थी राज की कलेक्शन की सबसे रिचेस्ट थी, सबसे श्रेष्ठ थी, मतलब अब तक जितनी भी कलेक्शन जो मिले हैं रॉयल राज की परिवार से उनमें से सबसे श्रेष्ठ थी। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरो लीजेंड, फेरो हम बताए थे फेरो राजवंश का नाम है, वहाँ के शासकों नाम है, फेरो की लीजेंड माने दंत कथाएँ गाथाएँ, जो फेरों की राजाओं की दंत कथाओं का एक भाग हो चुकी थी, मतलब अब तक फेरों के विषय में जो भी जानकारी मिली थी उनमें सबसे श्रेष्ठ संग्रह था ये संग्रह जो मिला है, ये सबसे ज्यादा संग्रह प्राप्त हुआ है। स्टनिंग आर्ट फैट्स इन गोल्ड, स्टनिंग माने आश्चर्यचकित होते हुए, स्टनिंग आर्ट फैट्स इन गोल्ड जो सोने में ढके हुए थे, सोने के उन तत्वों को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी डिस्ट्रक्शन, और इस प्रकार उनके उस अनंत चमक को, विशेष चमक, अनंत चमक माने जो चमक अभी तक नहीं गई है, उस अनंत चमक को मीन गारंटी रिस्ट्रिक्शन कार्ड सेंसेशन ऑफ द टाइम ऑफ डिस्कवरी, कि उस समय की जो खोज किया गया था, जो उस समय जो खोज की गई थी, खोज के समय जो सोने से स्तंभित करने वाली कलात्मक वस्तुओं ने उस समय सनसनी पैदा कर दी थी, आज भी जो ध्यान हमें आकर्षित करती हैं, मतलब उन्होंने स्टैंडिंग आर्ट फैट्स इन गोल्ड कि सोने में जो आर्ट फैट्स माने कलात्मक वस्तुएं हैं स्टनिंग करने वाली थी, उन्हें देखकर जो भी देखता था आश्चर्यचकित हो रहा था, सरप्राइज हो रहा था उनके उस अनंत चमक को, जिनका अर्थ है गारंटी रिसरेक्शन कार्ड सेंसेशन ऑफ द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, उस खोज के समय में स्टेक्शन ने एक सनसनी पैदा कर दिया था, उन्होंने जो खोजा था, जब खोज करने के बाद मकबरे को खोजा, लोगों ने पुरातत्व वस्तुओं को देखा कि जिनकी जो उनमें पॉलिश किया गया था चमक थी उनकी, वो एक आज भी वही चमक है, जो ऊपर की पॉलिश है वो अचंभित करने वाली थी किसी को भी,
जो पूरे पुरातत्व विभाग में एक सनसनी पैदा कर दिया था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। आई स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और सभी लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। सभी लोग ये जान करके उधर ध्यान दिए थे। बट वुड वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स, लेकिन जो टूट था उसे भी दफना दिया गया था। एवरी डे थिंग्स, जो टूट को दफनाया गया था। कुछ लोगों को पहले आप मिस्र की सिंधु घाटी सभ्यता का इस सभ्यताएँ पढ़े हैं कि कुछ लोगों का विश्वास था कि जब समाधि में दफनाते थे तो सारी वस्तुएं रख देते थे कि उसकी आत्मा को या उसको मिलेगा। तो राजा टूट को भी जब दफनाया गया था, बरीड माने दफनाना, तो उनके साथ प्रत्येक वस्तुएं रखी गई थी उनके यूज की, दैनिक यूज की। ही वांटेड इन आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद उसे वो जो चाहता था कि उसे काम देंगी, एक मान्यता है, अंधविश्वास है। बोर्ड गेम्स, अब बताइए बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, उस तरह वही कांसे का उस तरह जो इसको कहते हैं दाढ़ी बनाने वाला, लिनन अंडर गारमेंट्स और जो अंतः वस्त्र हैं, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, शराब और भोजन की अन्य वस्तुएं, सारी सामग्री जब उसको कब्र में दफनाया गया था तो हर वस्तुओं को रख दिया। जब यहाँ पर लेखिका जो A.R. विलियम्स है हमको इनके विषय में बता रही हैं कि इस प्रकार जो है टूट का मकबरे की दशा थी, और हावर्ड कॉर्टन इसको खोज किया था। अब हम लोग पांचवें पैराग्राफ में आते हैं, देखते हैं राजा टूट के मकबरे का ही स्टडी है, कैसे सिटी स्कैन किया गया, कैसे किया गया, और कोई कहानी नहीं राजा टूट का मकबरा कैसे खोजा गया, उसकी दशा क्या थी, क्या कंडीशन है, यही तो है इसमें और कुछ नहीं। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरो फ्यूनरी ट्रेजर्स, देख लीजिए महीनों रिकॉर्डिंग जो फेरो की दफन की संपत्ति, फ्यूनरी माने दफनाने की, ट्रेजर्स माने खजाना। फेरो बताए थे, फेरो वंश का नाम था, उस वंश के राजा थे टूट। तो फेरो के वंश की जो दफनाने का जो खजाना था उसको महीनों तक लिपिबद्ध किया गया था। केयरफुली रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग माने लिपिबद्ध करना, आफ्टर मंथ्स महीनों तक केयरफुली ध्यान को रिकॉर्डिंग मतलब लिपिबद्ध करना, रिकॉर्ड जैसे आप करते हैं। फेरो फ्यूनरल ट्रेजर्स कि फेरों की दफन की संपत्ति को महीनों तक ध्यान को निबद्ध करने के बाद कि जब इस मकबरे को खोजे तो जो फेरो राजा हैं उनके वंश का अंतिम शासक टूट है, उनकी फ्यूनरी, फ्यूनरल होता अंतिम संस्कार, जो मकबरे में जो ट्रेजर्स माने खजाना संपत्ति को कई महीनों तक वो लिपिबद्ध किया गया मतलब रिकॉर्ड किया गया। कार्टर भी गए, जो पहले लोग केवल धन के लिए ऐसा करते थे, लेकिन अब के जो जैसे कार्टर है जो पुरातत्व शास्त्री हैं, तो कार्टर ने बिगन इन्वेस्टिंग, उसके बाद जब पूरी धन संपत्ति का रिकॉर्ड लिपिबद्ध कर लिया गया तो कार्टर ने निरीक्षण शुरू किया। हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन, उनकी तीन जो है जो नेस्टेड है, नेस्ट माने घोंसला होता है, कवच कह दीजिए, जो तीन कवच में रखे गए उस काफिन माने हिंदी में ताबूत कहते हैं, जो तीन ऊपर के कवच थे उस ताबूत के ऊपर, उस पर उन्होंने अध्ययन शुरू किया। मतलब जो ताबूत है बाड़ी रखी थी उसके ऊपर तीन कवच रखे बनाए गए थे काफिन। तो मतलब लेखिका कहना चाहती हैं कि कॉर्डर ने जो इसका इन्वेस्ट पहले उन्होंने जो संपत्ति जितनी थी उनके फ्यूनरल उसमें फेरो वंश के राजाओं के मकबरे में जो संपत्ति थी उसको लिपिबद्ध कई महीनों तक पूरा उसका लिपिबद्ध किए, लेखा जोखा किए, उसके बाद उन्होंने फिर उस कॉफिन जो चारों तरफ से कवच लगे हुए थे उस ताबूत में उसका निरीक्षण किया। ओपनिंग द फर्स्ट, पहला जब उन्होंने खोला, ही फाउंड ए श्राउड एडोर्ड, जब पहले उन्होंने कवच को खोलते ही उन्होंने क्या देखा, क्या पाया, उन्होंने देखा कि एक साउड और एक कफन, साउड माने कफन का कपड़ा होता है, एक कफन उन्होंने देखा,
adorned with garlands of willow. जो एडोर्ड माने सुसज्जित था, किससे सुसज्जित था, गार्लैंड साफ बिलो, बिलो एक प्रकार का वृक्ष है, उसके फूलों से, ओलाइव लीव्स और ओलाइव माने जैतून, लीव्स माने पत्तियाँ, कि उसमें बिलो के फूल थे, बोले एक प्रकार का फूल है, और ओलाइव की जो पत्तियाँ थी, वाइल्ड सेलरी, वाइल्ड माने जंगली सेलरी की, लोटस पिटस कमल की पंखुड़ियाँ थी, कॉर्नफ्लावर की मालाएँ थीं, इनसे सुसज्जित था। कि जब उन्होंने पहले को खोला तो क्या पाए, उन्होंने देखा कि जो कफन है उसमें कफन के ऊपर फूल पत्तियों, फूल की पंखुड़ियाँ, पत्तियों की पंखुड़ियाँ सब उसके ऊपर पड़ी, जैसे लोग दफनाते हैं फूल वगैरह सजा देते हैं। तो हावर कार्टर ने अनुमान लगाया कि फूल कब खिलते हैं, पत्तियाँ कब निकलती हैं, बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में। तो देखिए, द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल के में ये दफनाई गई, मुरझाई गई प्रमाण है, मतलब जो फूल पत्तियाँ से लादा गया था, तो उसको देखकर कार्टर ने ही सोचा इसको मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। उस समय फूल पत्तियों का कुछ ज़्यादा ही प्रचलन रहता, आराम से मिलते हैं, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि मार्च अप्रैल में इनको दफनाया गया होगा। When he finally reached the mummy, जब वो अंततः ममी तक पहुँचे, तीनों कवर को खोले, दो ही रैन इंटू ट्रबल, वो कष्ट में हो गए, जब वो ममी तंगत में पहुंचे तो मुश्किल में फंस गए। कौन सी मुश्किल आ गई भाई? द ब्रूटल रिजायंस हायर्ड हॉरेंट, जो ब्रूटल की गई, जो प्रयोग की गई रिजायंस माने जो किसमिस हैं, हायर्ड हॉरेंट कठोर हो गई थी, जम गई थी, सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कफिन, और वो कठोर सोने की जो ताबूत है उसका भी तला भी पूरी तरह सीमेंटेड हो गया था, कि पूरी तरह जो है इस प्रकार वो भी कठोर हो गए थे, और टूट का जो ठोस सोने की सौपेटी है, ताबूत है, वो भी सीमेंट की तरह उसमें जम गया था, पूरी तरह चिपक गया था। नो अमाउंट ऑफ रेजिमेंट फोर्स कुड मूव देम, क्वार्टर रोड लेटर, क्वार्टर ने बाद में क्या लिखा कि नो अमाउंट ऑफ लेजिट्यूड फोर्स, लेजिट्यूड माने कोई उचित बल या शक्ति उन्हें हिला नहीं सकी, मतलब बहुत प्रयास किए कि दोनों ताबूत जो है हिला नहीं है, वो ताबूत जो है वो ताबूत हिला नहीं, मतलब जो ताबूत इतना छिपक गया था, सीमेंटेड हो गया था कि वो हिला नहीं। नो अमाउंट ऑफ लेजिट्यूड फोर्स कुड मूव देम, कोई भी चीज शक्ति उन्हें हिला नहीं सकी, किसको, ताबूत को, सौपेटिका को। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, उनके साथ क्या किया जाए। कार्टर ने यही सोचा कि हम आपको सरल शब्दों में बता दें कि जो कॉफिन थी सौपे, उसकी जो पूरी तरह से जो गोल्ड ओ था वो उस पर जो है चिपका हुआ था, पूरी तरह जो है उसको उसमें चिपक गया था, तो इसलिए कहें कि उसको हम सीमेंट जैसे चिपक जाता है, इस प्रकार वो चिपका हुआ था। तो इस प्रकार जो है हम आपको तीन पैराग्राफ बताए कि इस चैप्टर्स में, फिर समझ लीजिए समरी, इस चैप्टर्स में सिर्फ राजा के मकबरे को जिस प्रकार उन्होंने खोजा, किन्होंने खोजा, हावर कार्टर ने, उनके विषय में, इसी विषय में लेकर ए आर विलियम्स हमको बता रही हैं और वर्णन कर रही हैं। इस चैप्टर की थीम यही बेटा कि राजा टूट के मकबरे को खोजा गया, किस प्रकार मकबरा था, राजा टूट कौन है, हेरो वंश के राजा है मिस्र के, ये 3300 वर्ष जब सभ्यताएँ हों, सिंधु घाटी सभ्यता सब आप पढ़ते हैं तो मिस्र की सभ्यता पढ़े हैं, उस समय के 3300 वर्ष पूर्व ये राजा टूट हुए थे, परिस्थितियाँ देखकर ये लगता है इनकी हत्या कर दी गई है। मिस्र में 600 मकबरे लगभग बने हुए हैं, जिसको राजाओं की घाटी कहा जाता है।
हार्वर्ड कार्डर प्रोफेसर शास्त्री बड़ा परिश्रम करने के बाद इनको खोजा और उनके मम्मी को डेड बॉडी को उन्होंने जानकारी ले ली कैसे सीटी स्कैन अन्य वैज्ञानिक परीक्षण कराए, तो पूरा पैराग्राफ वाइज वन बाय वन करके यही चीज़ में वर्णन किया और इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने तीन पैराग्राफ बताया, पढ़िएगा फिर इसकी हम थीम क्लियर कर देंगे क्योंकि इसमें और कोई कहानी नहीं है, सिर्फ मकबरे संबंधित चर्चा है। आगे बताएं कैसे सीटी स्कैन कराया गया, कैसे वो किया गया, तीन पैराग्राफ इसको पढ़िएगा, इसे ज़्यादा ज़्यादा नहीं, दो दो तीन तीन पैराग्राफ आपको वीडियो भेजते रहेंगे। चलिए।